हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे DHFL की। काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये शेयर पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, और आए दिन कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज बुरी न्यूज इसके ऊपर चलती रहती है। और फाइनल अब जनवरी के मिड में इसके ऊपर आने वाला है, कौन इसकी मैनेजमेंट को संभालेगा, कौन इसको कमांड करेगा, कौन इसको आगे लेके जाएगा। तो क्या न्यूज है वो हम देखेंगे। कुछ डॉक्टरी की तरफ से है, उसके लिए कुछ सेटबैक भी है। वोटिंग स्टार्ट हुई है, नहीं हुई है, कब तक फाइनल आएगा। कुछ जो प्रीवियस इसके प्रमोटर्स थे उनकी तरफ से भी न्यूज है। तो शेयर जो आप देख रहे हैं 4.96% अपर सर्किट में फंस चुका है। प्रीवियस क्लोज 28.20 रुपये था, हाई बनाता है 29.60 रुपये, ओपन होता है 29 पे, और 29.60 रुपये पे ये अपर सर्किट में 4.96 के साथ फंस चुका है। और ये एक अच्छी न्यूज है कि इसका जल्दी ही डिसीजंस आने वाला है। नेक्स्ट आप देखेंगे कपिल वाधवा सेंड्स फ्रेश प्रपोजल टू DHFL लेंडर्स। आप देख सकते हैं इसे 31 दिसंबर की न्यूज है, 3 AM की। आप देख सकते हैं ये कपिल वाधवा सेंड्स फ्रेश प्रपोजल टू DHFL लेंडर। कोई भी इसके अंदर अपनी कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस प्राइस के ऊपर ये डील्स हो रही हैं वो बहुत ही कम प्राइस पर हैं, और इसके जो भी इसे एक्वायर करेगा काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आने वाले टाइम में मिलेंगे। तो जब ये कंपनी इतना जोर लगा रही है तो हम 30 रुपये का शेयर क्यों नहीं खरीद पा रहे। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रिलायंस कैपिटल में हुआ और निपोन के साथ हुआ, दोनों का जैसे जैसे शेयर कम हुआ रिलायंस कैपिटल का, उसके अंदर मैनेजमेंट चेंज हुई। अब देखिए वो शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 110-120 रुपये का शेयर हुआ करता था, 450 भी उसने टच किया, अभी 300 से ऊपर वो चल रहा है। तो मैनेजमेंट चेंज होती है तो काफ़ी फर्क पड़ता है। और इसके अंदर चाहे वो पिरामल ग्रुप को इसी कमांड मिले, चाहे वो मिले ऑक्ट्री को, और चाहे बहुत कम चांसेज हैं अदानी ग्रुप को मिले, तो जिसके हाथ में कमांड जाएगी सब बिल्कुल सक्षम है काम करने के लिए। पूरी कैपेसिटीज हैं, पूरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है अपने फील्ड की, तो इसको काफ़ी आगे वो ले जा सकते हैं। चलती हुई कंपनी है, 4500 इम्प्लॉयज हैं इनके, जिसको प्रमल ने कहा है कि हम इसे रिटेन करेंगे, एज इट इज रिटेन करेंगे। जो इसके डिपॉजिटर्स हैं, जो FD होल्डर्स हैं, उनको पैसा दिया जाएगा वापस, और 10% इंक्रीज करके दिया जाएगा। जो इनका इंश्योरेंस बिजनेस है उसके लिए भी 1000 करोड़ रुपया अलग से रखा गया है। उसके लिए जो है ऑक्ट्री को एक इशू आ रहा है, इसीलिए जो है प्रमल ग्रुप के फेवर में ये डील जाती हुई ज़्यादा नजर आ रही है। अब देखिए जो प्रीवियस जो प्रमोटर थे कपिल बांधवा सेंड्स फ्रेश प्रपोजल टू DHFL लेंडर, ये कल लेटर लिखा गया है। आप देख सकते हैं एक लेटर द्वारा लिखा गया है, RBI गवर्नर को लिखा गया है, ए फ्रेश लेटर टू RBI गवर्नर DHFL एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर लिखा गया है, ऑफर टू रिपे 100% प्रिंसिपल अमाउंट टू द क्रेडिटर्स इन हिज रिवाइज प्रपोजल ऑफ ₹91,000 करोड़ फॉर द क्रेडिटर्स। बाधवा हैज प्रोमिस टू मेक एन अप फ्रंट पेमेंट ऑफ ₹9,000 करोड़। आप देख सकते हैं जो प्रपोजल दिया गया है, रिवाइज किया गया है। बाधवा हैज रिटर्न ए लेटर एट ए टाइम वेन लैंडर्स आर सेट टू बिगेन वोटिंग, वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है दिस वीक ऑन बिड्स ऑफ ऑक्ट्री एंड पिरामल अदानी प्रॉपर्टी। द लेटर सेज आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट द RBI टू प्लेस माई प्रपोजल टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कमेटी COC फॉर इट्स इमीडिएट कंसिडरेशन एंड फॉर माई प्रपोजल टू बी वोटेड अपॉन अलॉन्ग विद द बिड्स सबमिटेड बाई द अदर बिडर्स। जो अदर बिडर्स हैं, पिरामल हो, ऑक्ट्री हो, अदानी ग्रुप हो, और उसके साथ ही इनकी भी कह रहे हैं वोटिंग करवाई जाए। जो इन्होंने एक रिवाइज प्रपोजल दिया है, बाकियों ने भी प्रपोजल दिया है, इन्होंने भी एक प्रपोजल दिया और रिवाइज करके दिया है, उसके साथ साथ इनकी भी वोटिंग करवाई जाए। और इन्होंने काफ़ी अच्छा बता रहे हैं इस बार प्रपोजल बना के दिया है। इन हिज प्रपोजल बाधवा हैज ऑफर टू सर्विस ₹31,000 करोड़ डेट इन 7 ईयर्स एट 8.5% पर NM का जो इंटरेस्ट है। उसके साथ अपार्ट फ्रॉम डेट ही हैज ऑफर टू रीपे ₹12,000 करोड़ विद इन 7 ईयर्स एट 11.5% पर NM फॉलोइंग 1 ईयर मोराटोरियम। द प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स रीपेमेंट ऑफ 18,000 करोड़ इन 5 ईयर्स एट 11% पर NM फॉलोइंग ए 5 ईयर मोराटोरियम। While ₹5,000 crore will be converted to equity, ₹16,158 crore will be converted into zero coupon bonds as per the proposal. तो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, और डे बाई डे इसको बताया जा रहा है कि इसको भी इसके ऊपर भी वोटिंग कराई जाए कि जो प्रपोजल है बाकियों के प्रपोजल से मेरा प्रपोजल अच्छा है। एक प्रपोजल ये आता है
तो DHFL क्रेडिटर्स बिगिन वोटिंग, वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। 30 तारीख की 7:19 की ये न्यूज है कल शाम की, और अपडेट हुआ है 7:55 पे, DHFL क्रेडिटर्स बिगिन वोटिंग, लाइकली टू अनाउंस न्यू ओनर बाय 14th of Jan। आप देख सकते हैं 14 January काफी महत्वपूर्ण एक डेट होने वाली है, जब इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा कि कौन इसका नया ओनर हो रहा है, कौन इसकी कमांड संभालेगा, कौन इसको आगे लेके जाएगा। अब देख सकते हैं DHFL raises 5% as Vandhva approaches RBI with revised offer। जैसे जैसे अच्छा प्रपोजल आ रहा है तो स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से। अब देख सकते हैं DHFL ने 5% का अपर सर्किट लगाया है, ये 31 दिसंबर की 10:01 की न्यूज है सुबह की AM, तो 5% अपर सर्किट में शेयर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। ऑक्ट्री के लिए एक जो सेटबैक है वो आप देख सकते हैं, सेटबैक क्या है, इनाम से में एग्जिट डील विद ऑक्ट्री टू एक्वायर DHFL इंश्योरेंस बिजनेस। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो FDI के नॉर्म्स हैं, दी 49% लिमिट ऑफ FDI इज ए हर्डल फॉर ऑक्ट्री कैपिटल इन एक्वायरिंग DHFL। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है DHFL का, उसमें FDI के कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ऑक्ट्री उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकती है, 49% नहीं खरीद सकती है, कोई ना कोई इंडियन कंपनी होनी चाहिए जो उसका 49% एक्वायर कर सकती है। तो ऑक्ट्री के बिहाफ पर जो है इनाम जो है इस डील को कर रहा था, इनाम उस स्टेक को लेता, 49% स्टेक को लेता, और ऑक्ट्री उसका प्रिंसिपल जो है प्रमोटर होता। बट इनाम का यहाँ भी बताया जा रहा है कि वो एग्जिट कर रहा है इस डील से। इन्वेस्टमेंट बैंक इनाम इज लाइकली टू एग्जिट द डील विद ऑक्ट्री कैपिटल टू टेक ओवर द इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस। इनाम वाज इन टॉक विद ऑक्ट्री टू एक्वायर द लाइफ इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर ऑफ DHFL। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा झटका हो सकता है ऑक्ट्री के लिए अगर इनाम इस चीज को मना करता है। इनाम की अभी तरफ से कोई इस पे रिस्पांस नहीं आया है, ये ऑक्ट्री का कहना है ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, इनएक्यूरेट है, और इनाम का इसके ऊपर अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। अगर इस टाइप की कोई चीज़ आती है तो एक बड़ा हर्डल होगा ऑक्ट्री के लिए DHFL को एक्वायर करना, क्योंकि जब तक उसके पास FDI के नॉर्म्स की वजह से वो इसके बिजनेस को एक्वायर नहीं कर सकता है, इंश्योरेंस बिजनेस को, जिसके ऊपर पिनामल इंटरप्राइजेज ने पहले 300 करोड़ का उसका प्राइस रखा था, अब उसे बढ़ा के 1000 करोड़ का कर दिया है। तो पिनामल की जो कंडीशंस हैं वो हर जगह से फुलफिल होती हैं, चाहे वो इंश्योरेंस बिजनेस को एक्वायर करना हो, चाहे अपने जो फाइनेंशियल जो इनका वर्टिकल है पूरा का पूरा पिरामल का, उसको मर्ज करना हो, एक रिवर्स मर्जर होगा DHFL के साथ उन्होंने बताया है, तो काफ़ी इसके साथ जो सिनर्जी है मिलती है DHFL की और पिरामल की। उसके DHFL के जो इम्प्लॉयज हैं 4500 के आसपास, उसको वो एज इट इज रिटेन करेंगे, इनकी सभी ब्रांचेस को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको जो भी अमाउंट है वो दिया जाएगा अप फ्रंट पे, 10% अपनी तरफ से उसमें डाला जाएगा जो भी इसके अंदर दिया गया है। अब इसके प्राइस को हम देख लेते हैं एक बार कि प्राइस किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए 29.60 एक अपर सर्किट में अभी भी है, हम इसे रिफ्रेश करके भी देखेंगे, आप देख सकते हैं 11:29 और 29.60 पे ये एक अपर सर्किट में है। लोअर सर्किट इसका जो था 25.60, पहले भी मैंने बताया था कि कहीं पर भी ये शेयर नीचे मिलता है मैनेजमेंट चेंज की वजह से इसके अंदर बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है, और जो जो प्राइस है जितना 20 के आसपास मिले उतना अच्छा, कोई बैड न्यूज आती है या कोई डिले होता है तो 20 के आसपास मिले तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज कुछ अमाउंट इस प्राइस पे भी लगाया जा सकता है, जो मैंने पहले ही बताया था कि 28-30 रुपए के बीच में एक अमाउंट लगाया जा सकता है, छोटा अमाउंट, छोटा शेयर है तो छोटा अमाउंट ही लगाना है, इस प्राइस पे लगाया जा सकता है। अगर शेयर ज़्यादा टूटता है और 20-21 रुपए के आसपास जाता है तो बिल्कुल वहाँ पर भी अकोमोलेट किया जा सकता है, क्योंकि वो इसका जो प्राइस बनता है बिल्कुल रॉक बॉटम प्राइस बनता है, उससे नीचे इसके जाने के चांसेस कम है, क्योंकि उस पीरियड के अंदर इसने काफ़ी टाइम निकाला है, कंसोलिडेट किया है, उस रेजिस्टेंस को इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है, वहाँ पर बहुत अच्छा अकोमोलेशन पहले ही हो रखा है। तो अगर प्राइस पे मिलता है, उस प्राइस पे मिलता है तो बहुत ही अच्छी डील होगी आप लोगों के लिए भी, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखा जा सकता है, मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, जो भी मैनेजमेंट इसे चलाएगी आने वाले टाइम में ये आपको डबल ट्रिपल के भी रिटर्न दे सकता है। आपने देखा CG पावर का एग्जांपल, जैसे उसकी मैनेजमेंट चेंज हुई, अब CG पावर को भी देखिए 11 रुपए का शेयर हुआ करता था, वो 5-6 रुपए भी गया, अभी 45 रुपए से ऊपर वो डील कर रहा है। तो जैसे ही मैनेजमेंट चेंज हुई उसे मुरुगप्पा ग्रुप में एक्वायर किया, उससे पहले
रिलायंस कैपिटल का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें मैनेजमेंट चेंज होती है और निपोन लाइफ ने उसे एक्वायर किया तो शेयर प्राइस कहाँ गया। सीजी पावर का एग्जांपल देखिए, शेयर प्राइस कहाँ गया। तो आप इसकी न्यूज़ पे नज़र रख सकते हैं और जैसे जैसे न्यूज फिल्टर होकर बाहर आएगी हम इसके ऊपर बने रहेंगे, और जैसे जैसे इसका शेयर प्राइस नीचे आता है तो बिल्कुल इसे अकोमोडेट करना चाहिए। और डेट जो आपको ध्यान रखनी है वो 14 जनवरी की डेट ध्यान रखनी है। इसके अंदर सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स ही पार्टिसिपेट करें, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अपने होल्डिंग पीरियड कितना है उसके हिसाब से इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा चले डबल ट्रिपल करने के लिए, बट जब ये चलेगा तो सर्किट टू सर्किट चलता है और अच्छे आपको बेनिफिट्स दे सकता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके ऊपर सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इसे जगह देनी है नहीं देनी है लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जज कर सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है पैन इंडिया बेस पे, इसका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, चलती ही कंपनी है, जिस भी इसे प्रमोटर को ये मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।